बहुत दिन के बाद आज मिले कैसे हैं आप? आजकल आपका क्या चल रहा है? सर मैं पहले तो अंकित सर जी का और अरुण साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे पहली बार ये मौका दिया। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो मेरे सामने सदस्य तो बैठे हैं, ये 42 सेमिनार कर चुके हैं स्टेज के ऊपर में और ये मेरा पहला सेमिनार है, मैं पहली बार स्टेज पे आया हूँ। ठीक है, तो जितना कम खींचना चाहेगा वो खींच सकते हैं, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। पर एक देखिए, मैं इनके बारे में बोलूंगा कि ये 42 जो अगर मैंने भी किए तो ये पहली कंपनी है कि जो इनको स्टेज पे लाई है। क्या बात, फर्स्ट कंपनी। और ये कंपनी की ताकत है कि लोग स्टेज पे आते हैं और लोग स्टेज पे बात करते हैं। पैसा पैसा जो है, आज रवि सर को, रवि सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, मैं रवि सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, वैसे कुलकर्णी मैडम को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस, अगर वो अपन ने ग्रैप नहीं की तो बाद में उसका पैसा नहीं मिलेगा। लक्ष्मी आती है दरवाजे पे खटका रहती है, लेना नहीं लेना है जिस पे है। और आज तक मैंने ये देखा है कि जिन्होंने ना बोला है से नो, वो नेक्स्ट वन हम करते हैं, पर वो कुछ दिनों के बाद हमको आके वापस मिलते ही मिलते हैं। और आज मैं रवि सर को मिलने आया हूं, पर मेरा जो ड्रेसअप है, मेरा जो एटीट्यूड है, मैं आज लाखों रुपए कमा रहा हूं, करोड़ों रुपए की बात करने आया हूं मैं। तो मेरा भी एटीट्यूड, मेरा भी स्ट्रक्चर, ये सब जैसे है वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे को पैसा कमाना और इनको दिखाना है कि पैसे कैसे। तो रवि सर, दूसरी बात, आजकल आप क्या बिजनेस कर रहे हो और क्या कर रहे हो? मैं दो चीजें बता दूं, मेरे को ऑटोमोबाइल बिजनेस में लाने वाले मैडम है रितु मैडम, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया हुआ। रितु मैडम ने पहले मुझे तो प्रोडक्ट्स दिए यूज करने के लिए कि ये प्रोडक्ट कैसे है आप यूज करो। पहले प्रोडक्ट यूज करने के बाद प्रोडक्ट का रिजल्ट A1 आया, उसके बाद मैडम ने बोला कि ये चीजों को आप डुप्लीकेशन कीजिए और लोगों के पास पहुंचाइए। उसके बाद मैं बिजनेस को समझा, पहले तो प्रोडक्ट के बारे में समझा, प्रोडक्ट मैंने कुछ लोगों को दिए यूज करने के लिए, उसके बाद बिजनेस को समझा और फिर बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया। क्या फर्क है जो अभी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसमें और जो मार्केट में प्रोडक्ट है? ये सर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है। जैसा मैं किसी भी प्रोडक्ट को जब यूज करता हूँ तो उसका पहले रिसर्च कर लेता हूँ, गूगल सर्च कर लेता हूँ, क्या सही में ये उस लेवल का प्रोडक्ट है नहीं है। मेरी आदत है, मेरी पढ़ाई जिस ढंग से हुई है उस ढंग का वो हिसाब किताब भी रहता है कि सब चीज को समझ लो पहले। अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ किसी चीज के लिए तो वो लोग उसको फॉलो करते हैं, तो कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए, इसलिए सारा चीज पहले रिसर्च करना, पहले खुद यूज करना, फिर लोगों को डुप्लीकेशन करना, ये मेरी आदत है। नहीं, मेरा पूछना ऐसा है कि जब आप ये प्रोडक्ट यूज करते थे तो इसकी जानकारी आपने ली? यस। क्या आपको लगा कि क्या है इसमें, आपको क्या अच्छा लगा? प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा लगा, प्राइसिंग अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम बेस्ट है, प्राइस। सर मैंने सुना इसकी एटॉमिक की कॉस्टिंग ज्यादा है? नहीं नहीं सर, ऐसा मैंने सुना है नहीं। नहीं, जिन्होंने सुना वो गलत सुना होगा शायद मेरे हिसाब से, या उनको प्रोडक्ट उन्होंने यूज नहीं किया होगा। जब प्रोडक्ट यूज कर लेगी तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग है प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ट है और बहुत ही कम प्राइसिंग है। आपने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए? मैंने हीमोइन यूज किया हुआ है, न्यूट्रास्टिकल यूज किया हुआ है, उसके बाद ब्रश टूथब्रश दोनों यूज किया हुआ है, स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज किया हुआ। सारी पैकिंग कैसे? एकदम बेस्ट, A1 पैकिंग। जितने लोग ले लेंगे? यस सर, 100%। और क्या अच्छा लगा ऑटोमे में आपको? ऑटोमे का कल्चर बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे जो मेरे अपलाइनर्स हैं जैसे अंकित सर जी, राठौर सर जी, ये टाइम टू टाइम मुझे सपोर्ट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और हमेशा जैसे जैसे हम जो नए लोग हमारे साथ जैसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं भी मेरे डाउनलाइन के लोगों को बोलते रहता हूँ कि आप जितने भी हमारी मीटिंग्स होती है रात को, आप सारे ज्वाइन करो, हमारे पीछे लग के अंकित सर यानी कंटिन्यूशन में जो होता है ना एक टेम्पो बनता है ना सर, इन्हें ये करने का है, आप समझ लो, आप कर सकते हो, ये चीज अंकित सर ने मुझे समझाई है, राठौर सर ने मुझे समझाई है, और ये चीज मैं नीचे अपने डाउनलाइन में प्रयोग करता हूँ। आपने पूरा बिजनेस समझ लिया? सर नहीं समझा तो आता, समझा तो आता नहीं था, समझने के लिए यहाँ आ रहे हो। नहीं वो नहीं, अपन बात कर रहे हैं, आप नए हो और मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ सर। तो दूसरी बात कैसी है कि बिजनेस खुद ने समझना जरूरी है जो आप? यस, मैं समझ रहा हूँ और भी समझने का है, जब मैं पूरी तरह समझ जाऊंगा तो एक लेवल भी अचीव कर लूंगा। आपको ये मैं प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे लगे इनको, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बिजनेस में क्या अच्छा है? सर एक दो चीजें मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करता हूँ।
अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप नाम का एक वेंचर चालू किया 2014 से मोदी जी ने, कोई मोदी फेयर हो गए नहीं हो गए आई डोंट नो, पर स्टार्टअप ये जो बिजनेस शुरू किया है स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप का हिंदी का मतलब क्या होता है? खुद का बिजनेस। जब भी आप खुद का बिजनेस करने जाते हो तो आपको पैसा लगता है, जगह लगती है, बहुत सारी चीजें उसमें आती है, मगर ये ऑटोमी का बिजनेस जो है हम लोग स्टार्टअप करके भी हम लोग चालू कर सकते हैं। और एक हर आदमी जब अपना बच्चा बड़ा होता है तब माँ बाप सोचते हैं मेरे बेटा इंजीनियर हुआ ये होगा, या फिर इसके लिए फिर जॉब के लिए चिंतित रहते कि मेरे बेटे ने कौन सा जॉब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर सोचते कि अगर मेरा बेटा बिजनेस करता है तो बिजनेस में क्या करना चाहिए। तो मैं उन सभी माँ बाप को ये सजेस्ट करूंगा, और अभी गवर्नमेंट भी स्टार्टअप जो भी शुरू करता है उसको बहुत इज्जत से देख रही है, अभी ये स्टार्टअप कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ऑटोमी से अच्छा स्टार्टअप कोई हो सकता है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं। आपको ऑफिस लगा इसके लिए? सर मुझे कुछ भी नहीं लगा, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ना पैसा लगता है, ना जगह लगती है, ना ऑफिस लगता है, और आपके सारे कॉन्टैक्ट्स लगते हैं आपके अच्छे। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके अभी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं? मेरी ब्रांचेस सर मेरे दिल में और मेरे फोन में। देखो कैसा होता है जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हर एक सिटी इज योर ब्रांच, हर एक सिटी में आपके लोग काम कर रहे हैं, वो लोगों को लेके आपको काम करना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मेरे मैं दो तीन चीजें और भी शेयर करता हूँ। मेरा स्टार्ट जो काम हुआ है रायपुर से हुआ है रितु मैडम के साथ में, उसके बाद मैंने पहली बार एक 10-15-20 लेडीज को शायद मैंने सेमिनार लिया था नागपुर में, कोशिश की थी कि कुछ अच्छा बता पाऊँ, पर मुझे नहीं लगता कि शायद उसमें से नागपुर के कुछ लोग हैं इसमें अच्छा बता पाया होगा, क्योंकि शुरुआत थी मेरी। उसके बाद और भी घर घर जाके भी मैंने कुछ हाउस मीटिंग्स भी लिया उसके साथ में, और फिर पुणे में स्टार्ट किया। पुणे में मेरी फ्रेंड है स्वाति मैडम, स्वाति मैडम ने मुझ पर विश्वास दिखाया। ये जो बिजनेस है ना, ये चीज को समझ लो, जो आपको पसंद करता है वो आपकी बात सुनेगा, जो आपको पसंद करता है वो आपकी बात सुनेगा, मगर जो आपके ऊपर विश्वास करता है, भरोसा करता है, वो आपके साथ बिजनेस करेगा, ये बात समझ लो। तो आज जो भी मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं वो मेरे पर भरोसा करते हैं, ये बात की गारंटी है। आपको ये बिजनेस जो आपने सुना, अंकित सर से सुना, राठौड़ सर से सुना, तो ये बिजनेस से आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? एकदम एग्जैक्टली एक पॉइंट बहुत अच्छा आपने बोला है, कितना पैसा कमाना चाहता हूँ। दुनिया में पैसा हर कोई कमाना चाहता, ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले लोग कमा लूँ, पैसा तो उसके पीछे आ ही जाएगा। मिलेंगे आपका विजन क्या है कि मैं एक साल में कितना पैसा कमाऊं? आपको क्या लगता है? सर मैं आपको इसका जवाब मैं उल्टा देता हूं आपको। मैं चाहता हूं कि हर साल मैं कम से कम 5 या 10 डायमंड्स खड़े कर दूं मेरे नीचे में, तो मेरा पैसा उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, वो कैलकुलेशन तो आप समझ ही सकते हो। जितने डायमंड ज्यादा उतना पैसा ज्यादा, और सबसे अभी टाइम है क्योंकि इनके साथ बात करने में अच्छा लगता। दूसरी बात ऐसी है कि जब आप बिजनेस ग्रो करते हो तो आपने क्या क्या सोचा है कि कैसे बिजनेस ग्रो करें? सर बिजनेस ग्रो करने के लिए आपका माइंडसेट बहुत जरूरी होता है, करेक्ट, ठीक है, आपका डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, करेक्ट, आप लोग आपको किस तरह से देखते हैं, किस तरह समझते हैं, वो छोड़ दीजिए। जब कोई भी एक बड़ा पौधा जब होता है आप देखते हो, बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसकी शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है। हर कोई चाहता है कि बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है इसमें। जब भी कोई ऑटो में ज्वाइन करेगा उसको आप ये मत बताओ कि आप इसमें बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बेशक बोलो कि पैसा कमा सकते हो, मगर जैसे राठौड़ सर है, अंकित सर है, जब इन्होंने बिजनेस में आए होंगे तब उनका फर्स्ट डे से इतना इनकम नहीं था। इस चीज को समय देना पड़ेगा, डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा, फॉलोअप देना पड़ेगा, तब आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, और हर कोई कमा सकता है। यानी आपका बोलना ऐसा है कि हर एक को आपको विजन देना है। यस सर, अगर आप विजन दोगे तो लोग पैसा कमाएंगे। एग्जैक्टली, आपको लोगों को ड्रीम्स दिखाना है। यस, लोगों के ड्रीम्स जान लेना है कि उनको जिंदगी में क्या करना है। अच्छा, अभी ऐसा कभी हुआ कि लोगों को पैसा नहीं चाहिए, ऐसा कोई बोला आपको? नहीं सर, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि पैसा नहीं चाहिए, ऐसा कोई बोलता भी नहीं पैसा नहीं चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। मगर मैंने भी एक चीज समझी कि एक मैंने चीज सीखा है कि पैसे से मोहब्बत करना सीख लो, ठीक है, पैसे से मोहब्बत करना सीख लो। जो पैसे से मोहब्बत करेगा
उसका साथ हमेशा पैसा देगा। कि जिस चीज से हम मोहब्बत करते हैं वो आपका साथ नहीं छोड़ता। दिल से करो, शिद्दत से करो, यानी पैसे से मोहब्बत करो। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन ऐसा है कि आपकी कितनी लिस्ट है, कितने लोगों को आज तक आपने प्लान शो किया? सर मेरे आज यहाँ पे आज जो मेरे डाउनलाइन के कुछ अच्छे लीडर्स आए हुए, अच्छा मैं उनका नाम भी लूंगा यहाँ पे, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। और नौ दुर्गा का नंबर होता है, जय माता जी का नंबर होता है। तो मेरे साथ में यहाँ पे नौ दुर्गा यहाँ पे हाजिर है। मैं उनके नाम लेता हूँ, स्वाति मैडम, मंजूषा मैडम, हर्षदा मैडम, अवंती मैडम, भारती मैडम, निशा मैडम, बैनर्जी मैडम, कल्पना मैडम एंड सोनाली जी मैम। ये नव दुर्गा है मेरे साथ में है, तो मुझे डर की कोई कि जैसे कि एमएलएम में लोग सिर्फ डाउन लाइन को ये करते हैं, सर जो है वो क्रॉस लाइन को भी मदद करते हैं। ये जो उनका है ना, मैंने देखा है कि मैं नागपुर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, ये सब चीजें वो करते हैं। दो सवाल है सर से बात करते हैं, दो सवालों का आगे का आपका विजन क्या है इस बारे में? अच्छा, इसके बीच में एक बताता हूँ क्या होता है सर, जब तक ये कर मानी करो, हम लोग जब मार्केटिंग में जाते हैं, हम लोग जब प्लान दिखाते हैं, शो द प्लान, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं और मेरे पास कोई बंदा आता है और वो बोलता है कि मैं आता हूँ, सब प्लान दिखाता हूँ, 1-2 लाख का सब बात करते हैं, तो उसका ड्रेसअप, ये चीज लास्ट टाइम भी बताई गई थी, अंकित सर बात कर रहे थे, जो मेरे को लगा वो बताता हूँ, ड्रेसअप बढ़िया होना जरूरी है। जब मैं प्लान दिखाने जाता हूँ तो मेरा ड्रेसअप बहुत अच्छा होता है। ये बात मैं क्यों बताता हूँ कि जब हम इतना बड़ा एटॉमिक ऑफ कंपनी, क्योंकि वी आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एटॉमिक, हम एटॉमिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक एक्ट्रेस थी बहुत बड़ी मुंबई में, नाम नहीं लूंगा उसका, बहुत बड़ी थी, उसको एक एंकर ने पूछा, बात मत करना बीच में मैडम इधर देखना, उसको एक एंकर ने पूछा कि आप किससे शादी करना चाहते हैं? तो वो एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो एक्ट्रेस ने ये जवाब दिया कि जो आदमी रोज शू पॉलिश करता है, जो आदमी रोज शू को अच्छी पॉलिश करता है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तो वो एंकर बहुत हैरान रहेगा कि भाई इसने ऐसा क्यों जवाब दिया। तो उसने पूछा कि आपने ये जवाब क्यों दिया? तो उसने ये बोला कि जो आदमी शूज की इतनी ये कर सकता है, रोज शूज ठीक से पॉलिश कर सकता है ठीक से, तो मेरी कितनी फिक्र करेगा। ये बात जो उसको ये लगा कि हम अपना ड्रेस अप है, कुछ कुछ लोग देखो शू रेगुलर पॉलिश नहीं करते, शेव नहीं करते, तो वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, तो बिजनेस का क्या ख्याल रखेगा? बिजनेस भी जो है वो बिजनेस की तरह ही होना है, क्योंकि बिजनेस हम करते ये लाखों का बिजनेस कर रहे हैं, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर रहे। जब तक ये बात मेरे मन में नहीं आती तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते, और बिजनेस बिजनेस की तरह ही होना चाहिए। ये मैं बात आज अंकित सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, राठौड़ सर ने ये बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये बिजनेस में लाखों का पैसा है जो मैंने देखा है। मैं रात दिन काम करता था, मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया था, कल ही मैंने अंकित सर को बोला कि मैं फुल टाइम आने वाला हूँ ये बिजनेस, रात दिन काम करता था। स्टार्टिंग में मैंने काम स्टार्ट किया, जॉब छोड़ दी, बीवी ने गालियां दी, मैं गालियां सुन के पहला चेक आया, बीवी को बोला भाई वो चेक तू भगवान के पास रख, उसने रखा, दूसरा चेक दिया भगवान के पास रख, तीसरा दिया भगवान के पास रख। औरतों का ये होता है कि वो दिखती अंदर क्या है, देखा मेरा हर फोर्टनाइट का चेक 1 लाख का आने वाला था, आने लगा था, हर फोर्टनाइट का चेक निकला। और जब मेरे 3 फोर्टनाइट 4 फोर्टनाइट 5 फोर्टनाइट हो गए, 6वें फोर्टनाइट को मैं रात को 1 बजे भी जाता था तो मेरे को गरम गरम खाना मिल जाता। ये क्यों हुआ? उसका बेसिक कारण है पैसा, चेक्स में और मेरी लाइफस्टाइल। वो लाइफस्टाइल हमने ऐसे की कि जो मन में है वो हम कर सकते, और वही चीज हमको एटोनोमी में सर के साथ करनी है। तो अभी लास्ट 2 क्वेश्चन पूछ के हम इसका ये करते सर। अंकित से कोई पूछना था सर, आपको गर्म खाना मिल जाता है ना? मिल जाता, चेक पहले दे देते हैं आपने? फिक्स है सर, महीने का शॉपिंग और अकाउंट ट्रांसफर।
अच्छा, इसलिए कुछ नहीं बोलते नहीं, जैसे दोस्त सर ने अभी बोला कि ट्रेडिशन 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 सैलरी सैलरी सबको सैलरी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। लोग अभी घर वाले बोलते हैं अरे सैलरी नहीं आई क्या करने का, हमारे इसमें विजन ही नहीं कि हमको बिजनेस करना, वो विजन हमको एटोमी से लाना है। और एटोमी में जितने भी सर के साथ हम काम करेंगे उनको सिस्टम के साथ काम करें, बराबर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे जाके पूना में आप एटोमी के लिए क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे मेरे टीम के साथ में कि हमें अगस्त के बाद एक बड़ा सेमिनार, जैसे हम लोगों ने जयपुर में किया उस तरह का, या उससे यानी ज़्यादा लोग हम इकट्ठा कर पाएंगे जो हमारे डाउनलाइन में है, जो एक्सपर्टाइज हो सकते हैं, वो ऐसा सेमिनार एक हमको पुणे में करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। अंकित सर जी और ऑटो सर के मार्गदर्शन में ही वो करना है हमको पूरा, और उनके आदेश का पालन किया जाएगा। जैसे भी उनका समय का क्या ये है शेड्यूल्स है वो देख के हम लोग वो प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे हम लोग। और एक साल के बाद हम जो प्लान कर रहे हैं आपकी, वो प्लानिंग का आप क्या करेंगे, कितने आपके इसमें डायमंड्स होंगे, कितने क्या होंगे, उसके लिए आप क्या करोगे? मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ। मेरे डाउनलाइन में इस दिसंबर तक मुझे 4 सेल्स मास्टर बनाने का है, और आने वाले 24 मार्च में मुझे कम से कम 5 डायमंड्स मुझे एनी हाउ खड़ा करना। और एक अच्छी चीज बता देता हूँ, डायमंड जो हीरा होता है, हीरे में सबसे हीरा कौन सा होता है? कोहिनूर होता है, और मेरे पास कोहिनूर है। सर के मैं डायमंड डाउनलाइन में सर का मैंने सुना, ज्वाइन हो गया। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, सर ने जो आज आंसर्स दिए उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छे आंसर दिया। और सबसे बड़ी बात, मेरे हाथ में पेपर है पर पेपर मैंने खोला नहीं, जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन उसको पूछे और उन्होंने आंसर दिए। देखिए कैसा है कि सर मैं तो ये बिजनेस में हूँ, आई नो द बिजनेस, मेरे को मालूम है कहाँ से पैसा आना है, कैसे पैसा आना। सर तो नए हैं, आज ये जो सब टीम आई है, आप सब लोग आए हो, ये सब नए हो। और सबसे बड़ी बात, मैडम को भी मैं मिला हूँ, ये टीम जो यहाँ पे बैठी है वो सब नए है। आज अंकित सर, राठौड़ सर, ये जो कर रहे हैं ये सबको आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। अगले कुछ सालों में एटोमी इतना बड़ा बिजनेस बनने वाला है कि हर एक आदमी इसमें 100% पैसा कमाएगा, मीन्स कमाएगा। पर दो चीजें बोल के मेरा ये खत्म करने वाला हूं। पहली चीज, सिस्टम में काम करो। दूसरी चीज, ट्रेनिंग लो, क्योंकि ये बिजनेस विदाउट ट्रेनिंग होने वाला नहीं। बीच में मेरे को लोग बोलते नहीं हमारे पास लिस्ट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अरे लिस्ट नहीं, 4 लोग आप नहीं ला सकते हो बिजनेस में? अगर ये बिजनेस में 4 लोग अभी नहीं लाए तो जाने के बाद 4 लोग कहां से आएंगे आपके पास? गारंटेड 4 लोग आपके हैं। और ये बिजनेस में ये नहीं कि ये बिजनेस जो है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसमें प्लस प्लस नहीं, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ही आप ये बिजनेस कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बोलता हूं आज के बाद, मैंने जो आज मेरे डाउनलाइन यहां पे मैंने बुलाया है, मैं गारंटेड बोलता हूं आज के बाद ये ऑन हो गए, इनके पीछे बर्निंग डिजायर आ गया और ये 100% सक्सेस करेंगे बिजनेस। यहां पे जितने लोग बैठे हैं वो सब सक्सेस करेंगे। आज वैसे देखा जाए तो यहां पे मैं झूठ बोल के थोड़ा सा घर पे आया हूं, मैंने घर पे बोला कि ये पूरा ऐसा है वैसा है, क्योंकि मेरे को मालूम है रिएक्शन क्या आने वाली है। पर मैं 100% आपको अगले साल जब अंकित सर, राठौड़ सर यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, उस वक्त मैं आपको मेरा इनकम दिखाऊंगा कि क्या इनकम है। और वो ही इनकम काम करेगा। ये बात ठीक है, हम बातें करते हैं स्टेज पे, कब होते सब वो नीचे वाला लास्ट वाला आदमी क्या बोलते हैं, ये बात तो बहुत कर रहे हैं, इसका इनकम क्या है वो बताओ, इसका चेक कितना है वो बताओ, चेक बात करता है बच्चे। और रोज जैसे सर ने अभी बताया वो जो पॉइंट्स दिखाए, वो पॉइंट्स हम करते थे रोज, 8-8, 9-9 सेमिनार्स करते थे, रोज लोगों को मिलते थे, और रोज लोगों में से 10 लोग हमको नो बोलते थे। हमने नो बोलना, नो सुनना सीख लिया है, इसलिए हम सक्सेस हो गए। जब तक हम नो बोलना सीखते नहीं ना, तब तक सक्सेस नहीं होगा। हमारे इसमें ऐसा है कि नो बोल दिया ना वो बिजनेस ही छोड़ देता है, अरे ये तो मेरे को नहीं बोल रहा है। और दूसरा, हमारे पास 2 ही मिनट लोग ना, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है बोलता हूँ कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो हर एक लोगों को बिजनेस बोलना स्टार्ट करते थे। मेरे को ऐसा बोलना है, पहले लिस्ट बनाओ,
लिस्ट में कैटेगराइजेशन करो, पहले 10 लोग, अगर मेरे घर में कोई प्रोग्राम है तो मैं 10 कौन से ऐसे लोगों को उनको पहले बुलाऊंगा जो मेरा सुनेंगे, उनको पहले चॉइस करो, कैटेगराइजेशन करो और उसके बाद ये बिजनेस करो। नहीं तो होता है क्या कि मैं ये बोलता हूँ कि लोग इससे बाहर आते हैं, क्यों महाराज ने पहले 5 लोगों को बताया, 5 लोगों ने नो बोल दिया, आप बोलते ये बिजनेस तो नहीं चलने वाला, लोग मेरे को नहीं बोल। पर ऐसे आपके जिंदगी में 5 लोग हैं जो लोग आपके बोलने पे ये बिजनेस ज्वाइन करने वाले हैं, डेफिनेटली होगा, और यही लोग को लेके काम स्टार्ट करो। देखो आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होना तो आप बताओ मेरे। और एक ही दिन, एक ही रात को भी मैंने, जो कल आपने चार्ट बनाया था, यहाँ पे एक चार्ट बनाया था, मैं आपको सबको फोटो भेज दूंगा, यहाँ पे आने से पहले मैंने घर पे मेरे बेडरूम पे वो चार्ट लगा दिया कि मेरे को ये कौन से दिन क्या क्या करना है। इतना ही नहीं, आगे जाके भी बोलता हूँ, मेरे बाथरूम में भी मैंने वो चार्ट चेक करके रखा, जबकि वहां पे मैं बैठू तो सामने देखू कि मेरे को मेरे के ड्रीम्स क्या फुलफिल कर, और वो ही चीज मेरे को लॉन्ग टर्म यूज आएगा। मैंने मेरे घर पे बता दिया कि अगले मार्च तक अपन को क्या क्या लेना है, बस वो ही इसमें हम काम करेंगे। लीडर्स बहुत ही बढ़िया लीडर्स, ऐसे लीडर्स नहीं मिलते, सच्ची बोल रहा हूँ। और सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ये अभी हमारी शुरुआत है। आज जितने भी लोग आने वाले हो, कल जाके डायमंड्स तो 100% सर के सब होने वाले ही है, डेफिनेटली होने वाले, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, कंपनी की शुरुआत है, आज कंपनी लॉन्च हुई है और लॉन्चिंग के समय हम लोग यहाँ पे सब आ गए। और सर का भी थैंक्स बोलता हूँ, राठौड़ सर का भी थैंक्स बोलता हूँ, जो हम उन्होंने फर्स्ट टाइम, दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं एट्रोनॉमी के स्टेज पे पहली बार पहले सेमिनार में ही बात करना स्टार्ट कर दिया हमने, तो आगे जाके तो अभी पूना में क्या होगा सर को भी मालूम है। आप सर ने आगे आपको बोल दिया, आपको सबको पूना आना है, सबका ये होना है, और हम पूना में डेफिनेटली बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, वैसे ही बिजनेस आपके यहाँ पे सबको हो। तो सो थैंक यू जो आपने हमारा सब सुन लिया, और थैंक यू टू सर ऑल्सो।